हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. दिस इज सोनम द्विवेदी हेयर एंड आई विल टीच यू इंग्लिश क्लास 7th. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्क्रीन राइट नाउ यू आर सीइंग. ओवर दैट यू आर एबल टू सी द कवर ऑफ योर मोरल बुक, दैट इज वैल्यू एजुकेशन. ओके, मोरल की आपकी जो बुक लगाई गई है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, ये भी आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ सेम बुक, दैट इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ लव. यानी कि जो प्रेम है, स्नेह है, वो किस तरीके से हमारे जीवन में मायने रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है. बिना स्नेह या प्रेम के हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती. मीन्स जहाँ पर भी हम रहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, जहाँ पर भी हम रहते हैं हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, हमें एक दूसरे की केयर हो जाती है, राइट? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो लव है वो एक बहुमूल्य, बहुत ही कीमती भी आप नहीं कह सकते, अमूल्य है. उसका कोई मूल्य ही नहीं है. इतना आपके लिए बहुत ही कीमती गिफ्ट है, तोहफा है. आइए पढ़ते हैं. स्नेहा वॉज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. स्नेहा जो थी वो अकेली बच्ची थी अपने पेरेंट्स के. मीन्स शी हैज़ नो ब्रदर एंड सिस्टर. शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड. वो कितने साल की थी? 6 वर्ष की. हर फादर मिस्टर रमेश गुप्ता वॉज अ बिजनेसमैन. उनके फादर का नाम था रमेश गुप्ता, जो कि एक बिजनेसमैन थे. अनफॉर्चुनेटली इज बिजनेस वेंट इन टू लॉस एंड ही हैड टू डील विद फाइनेंशियल ट्रबल. यानी कि किसी कारणवश उनका जो बिजनेस था वो लॉस हो गया, यानी कि उनको लॉस हुआ और उनको जो भी पैसे की प्रॉब्लम थी वो फेस करनी पड़ी. वन डे स्नेहा टुक अ पीस ऑफ गोल्ड रैपिंग पेपर फ्रॉम हर फादर्स कलेक्शन इन ऑर्डर टू रैप अ गिफ्ट बॉक्स. एक दिन क्या हुआ कि स्नेहा ने पीस ऑफ गोल्ड लिया, रैपिंग पेपर फ्रॉम हर फादर्स कलेक्शन. उसके पिता की जो इकट्ठी तिजोरी थी, जहाँ पर वो सारा सामान रखा करते थे, पैसे रखा करते थे, कीमती चीज़ें रखा करते थे, वहाँ से स्नेहा ने क्या लिया, पीस ऑफ गोल्ड ले लिया और उसको पैक किया गिफ्ट बॉक्स में. ओके, हर फादर बिकेम एनॉयड व्हेन ही सॉ हर डॉटर डेकोरेटिंग अ बॉक्स विद दैट पेपर टू पुट इट इनटू क्रिसमस ट्री. और वो देखने लगे कि जो मेरी बच्ची है वो गिफ्ट बॉक्स को पैक कर रही है और वो क्रिसमस ट्री में उसको डेकोरेट करेगी. टू बी गिवन अवे एज अ क्रिसमस गिफ्ट, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड एंग्रिली. मिस्टर जो गुप्ता थे उन्होंने पूछा स्नेहा को, व्हाई आर यू रैपिंग दिस बॉक्स विद दिस कॉस्टली पेपर. यानी कि ये जो गिफ्ट है उसको आप ये गोल्ड पेपर से, यानी कि जो सोने की परत लगा हुआ पेपर होता है, ये इतने महंगे पेपर से आप गिफ्ट को रैप क्यों कर रही हो? आई हैव बॉट दिस पेपर फॉर सम अदर पर्पज़. मैंने इस पेपर को किसी और काम के लिए ख़रीदा था और आप इसको वेस्ट कर रही हो. द लिटिल डॉटर पाउटेड हर लिप्स एंड सैड, आई एम वेरी सॉरी पापा. वो क्या करती है, सॉरी फील करती है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हर आईज बट हर फादर डिड नॉट नोटिस. उसकी आंखों से आंसू आ गए. गर्ल्स वैसे भी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, राइट? उनको डांट देने से ही वो रोने लगती हैं. द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज क्रिसमस. अगले दिन क्या था? क्रिसमस. स्नेहा केम टू हर फादर विद अ गिफ्ट रैप्ड विद दैट पेपर. और स्नेहा केम टू हर फादर, अपने पापा के पास गई. हर फादर रिग्रेटेड फॉर हिज अर्लियर बिहेवियर एंड रिसीव द गिफ्ट विद ग्रेट प्लेजर. और उसके पापा ने फिर जो कल उसको डांटा हुआ था उसके लिए सॉरी फील किया और जो गिफ्ट स्नेहा ने अपने फादर को दिया उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया. बट वैन ही अनरैप द बॉक्स एंड ओपन इट, जैसे ही उन्होंने उस बॉक्स को खोला उसमें कुछ भी नहीं था. अगेन ही वॉज वेरी एंग्री. फिर उनको और भी गुस्सा आया कि इस लड़की ने पहले तो इतना कॉस्टली पेपर मेरा वेस्ट किया हुआ है और अभी इसके अंदर कुछ है भी नहीं. ही आस्क्ड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, हैवंट यू लर्नड दैट एन एम्प्टी बॉक्स शुड नॉट बी गिफ्टेड टू एनीबडी. क्या तुमने ये नहीं सीखा कि किसी को भी हम खाली बॉक्स या कुछ भी खाली चीज़ गिफ्ट नहीं करते हैं?
इट शुड बी फिल्ड विद समथिंग वर्दी, उसमें कुछ ना कुछ होना ही चाहिए. बट यू हैव गिफ्टेड मी एन एम्प्टी बॉक्स, लेकिन आपने तो मुझे खाली बॉक्स गिफ्ट कर दिया है. अगेन टीयर्स रोल्ड, फिर से वो बच्ची रोने लगी और उसने आंसर किया, ओ डैडी द बॉक्स इज़ नॉट एम्प्टी. अब आप सोचिए कि उस बॉक्स में क्या था. जो भी था वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. ओके, तो फिर क्या होता है, बट यू हैव गिफ्टेड मी एन एम्प्टी बॉक्स, अगेन टीयर्स रोल डाउन. उसने कहा, आई हैव पुट सम किसेस इन टू द बॉक्स, मैंने इस बॉक्स में, खाली नहीं है ये बॉक्स, इसमें मैंने कुछ किसेस रखे हुए हैं. ओके, देन दे आर ऑल फॉर यू, वो सारे किसके लिए, आपके लिए. नाउ द टीयर्स वेल्ड अप इन हर फादर्स आईज, और फिर जो आंसू थे वो पिताजी के आंखों में भर आए. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लिटिल गर्ल एंड बेग्ड हर फॉर फॉरगिवनेस, और उन्होंने फिर से स्नेहा से माफ़ी मांगी, रिग्रेट किया. सेड टू से, वन डे द लिटिल गर्ल मेट विद एन एक्सीडेंट विच रिजल्टेड इन हर डेथ. मिस्टर गुप्ता बिकेम अनकंसोलेबल. वन डे मिस्टर गुप्ता वॉज सिटिंग अलोन इन हिज रूम एंड सॉ दैट गिफ्ट बॉक्स लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम. एक दिन किसी एक्सीडेंट में उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है. तब मिस्टर जो गुप्ता थे वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और एक दिन वो उसी गिफ्ट बॉक्स को देखते हैं जो कि कमरे के कॉर्नर में पड़ा हुआ था. He picked up the box and put it by his bed for many years, and whenever he was discouraged, he would take out an imaginary kiss and remember the love of his daughter who had put it into the box. और फिर उनको जब भी स्नेहा की याद आती या जब भी वो सोते जागते हमेशा उस बॉक्स को अपने पास रखते और उसको खोल कर उसके बच्ची के किस को इमेजिन करते. ठीक है ना. All of us have been gifted with unconditional love and kisses from our children, family members, friends and God. There is no other possession anyone could hold which is more precious than love. हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं जिनको हम यूज़ कर लेते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो गिफ्ट स्नेहा ने अपने फादर को किया दैट वॉज इनवैल्यूएबल. उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो किसी शॉप पे नहीं मिलता, लेकिन वो लास्ट लॉन्ग है, फॉरएवर. Right, which is more precious. Love is the most precious gift for every human being in this world. इस संसार में सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो love है, यानी कि स्नेह है, प्रेम है. We can buy all things but we cannot buy true love. हम कुछ भी खरीद सकते हैं किसी भी शॉप से, but we can't buy love, क्योंकि वो अमूल्य है. It cannot be substituted by wealth. उसको किसी भी संपत्ति से, समृद्धि से, पैसों से खरीदा नहीं जा सकता. सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस चैप्टर? द मोरल ऑफ दिस चैप्टर इज़ दैट लव इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट इन द वर्ल्ड. इस संसार में सबसे ज़्यादा कीमती अगर कुछ है तो वो है स्नेह. एक दूसरे पर स्नेह रखना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी एक साथ रहेंगे आपस में मिलजुल कर तो हमारी एक कम्युनिटी बनेगी एंड वी कैन हेल्प वन अनदर, है ना, और अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं हम एक दूसरे की हेल्प करके. ओके स्टूडेंट्स, सो होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. ये मोरल है केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये यू शुड हैव टू फॉलो इन योर ओन लाइफ ऑल्सो. ओके, इसको आपको फॉलो भी करना है. ठीक है ना. हमेशा ये चीज़ नहीं करनी है कि मुझे बर्थडे पे ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए. कभी आप ऐसा गिफ्ट अपने पेरेंट्स को भी दें और उनसे भी आप ऐसा ही गिफ्ट मांगें. ओके स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. इफ़ यू हैव मिस्ड एनी वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल माई लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन योर चैनल. ओके स्टूडेंट, टेक केयर.